हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम बनाएंगे बनाना चोको चिप्स आइसक्रीम, वो भी बिना क्रीम और बिना शुगर के, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। ये एक हेल्दी आइसक्रीम है और गर्मी के सीज़न में घर की बनी आइसक्रीम का तो मज़ा ही कुछ और है। और बच्चों को भी आप ये बेझिझक दे सकते हैं और आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 बनाना ले रही हूँ और उनको मैं अच्छे से पील कर लूँगी। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाना कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब तीनों बनाना को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसों में कट कर लूँगी, कुछ इस तरह से देखिए। और अब मैं इन बनाना के पीसीस को एक जिपलॉक बैग में भर लूँगी। और जिपलॉक बैग में भरने के बाद में इसकी पूरी एयर अच्छे से निकाल करके इसको अच्छे से एयरटाइट कर लेंगे। और इसको अब हम रख देंगे फ्रीज़र में करीब 1 से 2 घंटे, इसको अच्छे से फ्रोज़न होने के लिए। 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे मैंने बनाना को फ्रोज़न कर लिया था। आप देख सकते हैं बहुत ही हार्ड हो चुके हैं बनाना। तो अब हम एक मिक्सर जार में बनाना के पीसीस को ले लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप दूध। नॉर्मल दूध जो आता है वही गर्म करके ठंडा करके लिया हुआ है। और अब मैं इसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 ड्रॉप वैनिला एसेंस के। अगर आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो आप इसी स्टेज पर थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल शुगर नहीं डाल रही हूँ। और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी बहुत सारी चोको चिप्स, जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। बच्चे चोको चिप्स देख के ही आइसक्रीम पसंद कर लेते हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर एक कंटेनर में मैं वो आइसक्रीम का बैटर डाल दूँगी। इसको अच्छे से सेट कर लूँगी और इसमें डालूँगी ऊपर से और चोको चिप्स। और इसको हम एक बार अच्छे से टैप कर लेंगे और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी करीब 2 से 4 घंटे सेट होने के लिए। ये देखिए हमारी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है, वो भी बिना क्रीम के। और बहुत ही कम दूध लगता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये आइसक्रीम। आप इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।